एमएमएस देखते हैं। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए अत्याचार शुरू से होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। उनके हित के लिए हमारे देश के पार्टियों को कठोर कदम उठाना चाहिए। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए अत्याचार शुरू से होते रहे हैं और आप भी एमएमएस भेज सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आप सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रियाओं को दे सकते हैं। ऐसी कई प्रतिक्रिया हम तक आई है और हम स्क्रीन पर आपको एक एक करके वो भी दिखाएंगे। साथ में आप sudarshantv.com इस वेबसाइट पर भी अपनी प्रतिक्रियाओं को दिखा सकते हैं। हम कुछ कॉलर से भी आपकी बात कराएंगे। साथ साथ में कई SMS हमारे पास आज आए, हम स्क्रीन पर भी इनको और साथ में कुछ SMS को भी जरूर पढ़ेंगे। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं का वहां पर जो भी ऐतिहासिक और पुरातन मंदिर थे उन मंदिरों को भी तोड़ा गया, वहां पर शॉपिंग सेंटर खोले गए, वहां पर आए दिन ये चीजें होते, वहां ईश निंदा का जो कानून है जिसमें इस्लाम की निंदा की है, ऐसा कहकर जो अइस्लामिक लोग हैं, जो इस्लामिक नहीं है, नॉन मुस्लिम है, ऐसे लोगों को फांसी या मृत्युदंड देने तक की सजाए होती है। इसलिए वैसे भी लोग वहां पर डरे सहमे से रहते हैं, लेकिन कुछ धर्मों को लोगों को वहां पर नाम शेष करने का अभियान चलाया जा रहा है और वो हिंदू इसका बलि पड़ रहा है। भारत में हिंदू मुस्लिम की बात करना कम्युनल हो सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान में रह रहे लोगों को मानवता के दृष्टिकोण से भी उनकी आवाज उठाना कम्युनल कैसे हो सकता है? और भारत उनके लिए आवाज अगर नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? ये बड़ा सवाल है। आपकी प्रतिक्रिया आप दीजिए। एक कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ सर, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं तो ये कहना चाह रहा था, जैसे ये टॉपिक है, मुद्दा चल रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान में हिंदुओं की आवाज उठानी चाहिए। हेलो। हाँ 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 सर, नहीं तो क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे ये जरूरी है जी, आवाज उठाना एक अनिवार्य सिस्टम है जी। हाँ। और उसके साथ साथ जैसे ये कि नैतिकता का मुद्दा बनता है जी, क्योंकि मैं तो हिंदुस्तान के लोगों का पाकिस्तान वालों के साथ कोई झगड़ा है नहीं, आपस में ही आवाज उनका यहाँ से कोई लेना देना है नहीं कोई, सिर्फ ये कि मॉरलिटी लगा लो, मानवता का नाता लगा लो, जिससे ये सारा सिस्टम या दूसरा राजनीति खराब कर रही है जी। तो मैं चीज तो क्या है कि उन लोगों को वहां पर थोड़ा सा वहां भी समझाने की भी जरूरत है, या वहां सबसे ज्यादा वहां शिक्षा का प्रचार कम है जी, उनको खुद को समझना चाहिए। ये भी तुम्हारे भाई बहन है, आवाज यदि यहाँ पर उठेगी। हेलो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सूरज जी, बोलिए। हाँ, ये पाकिस्तान में हिंदुओं के जो बारे में है, हाँ तो पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू रह रहे हैं तो वो क्या भारत की तरह रह रहे हैं क्या उधर? मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं भारत में देखो कितना प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं, है ना। इन नेता लोगों ने जो गड़बड़ की है, क्योंकि मैं टीवी पे तो हूँ नहीं जो सवाल सुन रहा था, तो सवाल मेरे को पूरा पता नहीं है क्योंकि पहले मैंने इनसे पूछा था। धन्यवाद कॉल करने के लिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं और हम कहेंगे कि अगर आप टीवी के पास नहीं है तो प्रतिक्रिया देना आप उन लोगों को मौका दीजिए जो टीवी के सामने हैं। हेलो, नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? बिंदास बोल। हाँ बोलिए। हेलो ये चेन्नई से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं समीर से पत्ता बोल रहा हूँ। बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूँ कि ये जो अपने देश के जितने हिंदू समाज संगठन और भारत के सरकार को मानवाधिकार पे पूरा एकदम दबाव बनाना चाहिए। हाँ दबाव बना के, सरकार के ऊपर दबाव बना के पहले मानव आयोग में पूरा एक दबाव बना के आंदोलन जैसा करना चाहिए, तभी जाके अपने हिंदू के खिलाफ कोई भी आवाज पाकिस्तान के आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि भारत और पाकिस्तान में क्या स्थिति है, यहाँ पर मुस्लिम भाइयों की क्या स्थिति है और वहाँ पर हिंदू भाइयों की क्या स्थिति है। भारत एक मानवतावादी देश है, इसके कई उदाहरण रोजमर्रा के जीवन के साथ ही इतिहास भी देता आया है। ऐसा ही एक बड़ा उदाहरण इतिहास में भी मौजूद है, जी हाँ, वह भी केवल 64 साल पुराना। भारत के विभाजन का आधार धर्म था और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान अर्थात भारत और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना,
इस विभाजन के समय पाकिस्तान ने हिंदुओं का कत्ल करके उनके शवों की कई ट्रेनें भारत भेजी। युवा भगिनियों को वहीं रोक लिया गया और विरोध करने पर पुरुषों को काट दिया गया। उल्टा भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं ने मुस्लिमों को अपने यहाँ पनाह दी और उन्हें बचाया भी। आज अगर हम देखें तो बड़ी विपरीत और उल्टी स्थिति है। विभाजन के समय भारत में जितने मुस्लिम थे उससे कई गुना बढ़े हैं और पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो बहुत ही बड़ी मात्रा में घटे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो तब भारत में 6.2% मुस्लिम थे और अब 13.4 हो गए हैं और पाकिस्तान में तब 10% हिंदू थे जो या तो भारत आ गए या पश्चिमी देशों में चले गए। अब ये केवल 5.5 रह गए हैं। आज पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में हैं और देश का विभाजन देखने वाले आज दोनों देशों की तरफ देखें तो स्थिति साफ पता चलती है। पाकिस्तान में हिंदुओं की दशा बहुत ही भयावह है। उन पर नाना प्रकार के अत्याचार होते हैं जो किसी भी सूरत में सही नहीं है। भारत में मुस्लिमों के प्रति सकारात्मक रुख है लेकिन पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आता। ये स्थिति और भी हम आपके सामने और भी आंकड़ों में भी बताएंगे कि क्या स्थिति है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसी कुछ प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ कॉलर के पास भी चलेंगे और साथ साथ में पहले कॉलर से बात करते हैं। हिंदुओं के साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है इसके लिए बात के हिंदुओं को प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही इस मामले में मानवाधिकार आयोग है उसे भी यूएनओ की तरफ से। लेकिन ये मानवाधिकार वगैरह ये तो केवल भारत में चलते हैं, पाकिस्तान में कहां चलते हैं? हिंदुओं की स्थिति है वो कुछ सुधरे। वर्तमान में पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो भारत के लिए एक दर्दनाक विषय है। बिल्कुल धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। एक एमएमएस देखते हैं क्या कहता है एमएमएस। आप भी अपनी प्रतिक्रिया वीडियो में भी भेज सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं की लड़कियों का अपहरण कर धर्म परिवर्तन करना गलत बात है। इसके लिए सरकार को इस अत्याचार के लिए कदम उठाना चाहिए। एक कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आपका विषय है कि क्या पाकिस्तानी हिंदुओं को आवाज उठानी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ पाकिस्तानी हिंदुओं को बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है आपको हेलो हिंदू धर्म पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लगातार मुसलमान बनाया जा रहा है, लगातार ईसाई बनाया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? हिंदू आज जागृत क्यों नहीं है? हिंदुओं को जागृत होना चाहिए, दुनिया भर के हिंदुओं को जागृत होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी धर्म परिवर्तन हो रहा है वहाँ धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए। हिंदू जागेंगे तभी इस देश का, इस समाज का और पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद सुरेश जी। धन्यवाद, मेरी आवाज जनता तक पहुंचाई। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलेंगे, उनकी प्रतिक्रिया भी देखते हैं यहाँ पर क्या है। हेलो, हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्या विवाद हो रहा है। हेलो, बोलते रहिए। हाँ नमस्कार जी सर। हाँ बोलिए। और टीवी पे दिखा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिमों में। धन्यवाद। शायद आप विषय नहीं समझ पाए, वहां तो सरकार ही अत्याचार कर रही है। सरकार की ही नीति है कि यहाँ पर ये जुल्म ढाए जाए और लोग देश छोड़कर चले जाए या धर्म परिवर्तन कर यहाँ मुसलमान बन के पाकिस्तानी हो जाए। केवल पाकिस्तानी होना पर्याप्त उनको नहीं लगता है। आप देखेंगे कि भारत के खिलाफ जो नफरत है उसका अगर किसी को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है तो वहां पर रह रहे हिंदुओं को हो रहा है। इसलिए भारतीय मुस्लिम भी आवाज उठाए ये अपेक्षा वहां से मेल पर सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक श्री केवल नाम लिखा है इन्होंने। पूरा नाम शायद अपनी पहचान बताना नहीं चाहते लेकिन पीओके से ये सोशल नेटवर्किंग साइट पर इन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि हम तो भारत में रह रहे मुसलमानों की सुख शांति के लिए भी कामना करते हैं तो हमारे लिए भारत के मुसलमानों ने भी करना चाहिए। ये पीओके से किसी ने मैसेज भेजा है जो कि श्री केवल इन्होंने लिखा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। जो
तो सर आपने ये प्रोग्राम चला रखा है ना अभी दूरदर्शन पे, सुदर्शन पे। हाँ तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम देख रहे हैं सभी, हम बहुत देर से ट्राई मार रहे थे, लेकिन कोशिश करें, आपका बहुत ही सराहनीय कदम है, हम इसकी बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, तो सौ तरफ से बोल रहे हैं। धन्यवाद।